सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। चंद्रयान 3 लगातार चांद की तरफ कदम बढ़ा रहा है। 23 अगस्त को इसरो का ये मिशन अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत एक नया इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 के साथ गए लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन बिताएंगे। यदि आप ये समझ रहे हैं कि चांद का एक दिन धरती के एक दिन के बराबर है, तो आप गलत। चांद का एक दिन 28 दिन का होता है, यानी यहाँ एक साथ 14 दिन तक दिन रहता है और इतने ही दिन रात होती है, जबकि धरती पर 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। चांद धरती की परिक्रमा तकरीबन 27.3 दिन में पूरी करता है, इसलिए चांद का दिन धरती के 23.3 दिनों के बराबर माना जाता है। इसकी वजह चंद्रमा की घूमने की गति। दरअसल चंद्रमा बहुत धीमी गति से परिक्रमा करता है, इसलिए धरती की परिक्रमा पूरी करने में यह तकरीबन 28 दिन लगा देता है, जबकि धरती सूर्य की परिक्रमा महज 24 घंटे में पूरी कर लेती है। चांद पर रात के समय तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। खास तौर से चांद के दक्षिणी ध्रुव को ज्यादा ठंडा माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर दक्षिणी ध्रुव ही ऐसा इलाका है जहां जीवन की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यहां ठंड से मुकाबला एक बड़ी चुनौती है। दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई क्रेटर भी हैं जहां कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती, जबकि दिन में इसका तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर पूरा एक दिन बिताएगा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि चांद पर एक दिन धरती के 28 दिन के बराबर होता है। यदि ये सिर्फ दिन ही दिन में काम करेगा तो भी लगातार 14 दिन तक लगातार सूचनाएं धरती तक पहुंचाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये ज्यादा दिनों तक काम कर पाए। खबरी चौखट की रिपोर्ट।